तो टाइप्स ऑफ शेयर्स कंपनी, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। देखते हैं, फर्स्ट है इसमें ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जो एक कंपनी इशू कर सकती है, ठीक है, जिस वक्त कंपनी फॉर्म होती है, रजिस्टर्ड होती है, उस वक्त ये डिसाइड हो जाता है कि आपको परमिशन भी लेना होती है कि आप मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, तो कुछ करें कंपनी हमें फॉर्म की और अथॉरिटी हमें कितनी मिली? 1 लाख शेयर्स हमारे शेयर्स ऑफ ₹10। हाँ ठीक है, 10 लाख शेयर्स हो गए हमारे। ठीक, ये हो गया हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल कि मैक्सिमम हम 1 लाख 10 लाख शेयर इशू कर सकते। ठीक, यानी कि आपको अथॉरिटी मिल गई शेयर इशू करने की। अच्छा, अब क्या होगा? देखिए, अब एक साथ तो सारे शेयर इशू नहीं होते, एज पर नीड हम इशू करते रहते हैं जितनी जितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है ना। अच्छा, फर्ज करेंगे इस 10 लाख में से हमने इनिशियली 2 लाख शेयर्स इशू किए, तो ये कहलाएंगे आपकी इशूड कैपिटल। 10 लाख में से इनिशियली हमने 2 लाख शेयर इशू किए, इन्वेस्टमेंट आ गई, कंपनी हमारी स्टार्ट। अच्छा, ये तो वो डिपार्टमेंट है ना इसका, जो कंपनी इसका जहाँ पे पूरी आपकी कंपनी जब वो रजिस्टर्ड होगी और डॉक्यूमेंटेशन होती है सारी, वहीं से बन गए। अथॉरिटी भी आप अथॉरिटी भी आपको मिलती है जिसका डिपार्टमेंट बना हुआ है। लोग कितने कितने रहते हैं? तो हर बंदा एक थोड़ी लेता है, सकता है एक ही शेयर नहीं, होल्डर 10,000 शेयर खरीद ले, एक 5,000 खरीद ले। अच्छा, और एक चीज और है, एक शेयर इशू भी नहीं होता, ये कंपनी है। ये नहीं कि आपको चीज के पैसे मिले, आप 10 रुपये लेके शेयर खरीद में चले गए, अंकल शेयर दे रहे हैं, शेयर है ये थोड़ी टॉपिक आप। ठीक है, तो एक शेयर इशू होता भी नहीं है। जो छोटी कंपनीज होती हैं वो मिनिमम, मतलब वो ये 500 शेयर इशू होते हैं, मैंने 500 या मल्टीपल्स ऑफ 500 500, 1,000, नहीं तो जो ट्रांसफर होते हैं वो बड़ी का नहीं बता रहा। हाँ, बट छोटी कंपनीज होती है मिनिमम 500 देंगी या मल्टीपल ऑफ 500, तो 500, 1,000, 1,500, 2,000 इस तरह इशू होते हैं, 500 देंगे। ठीक है, और जो बड़ी कंपनीज होती है उनके एटलीस्ट मिनिमम 100 शेयर, एक एक शेयर नहीं मिलता, तो इसलिए शेयर होल्डर इतने नहीं होंगे। जैसे 2 लाख शेयर है तो 2 लाख शेयर होल्डर नहीं होंगे। अब इसको अगर आप 500 भी कर दें, वहां से डिवाइड कर दें, तो कितने बनेंगे? हजार बनेंगे ना, तो बता 5 4 20 हो गए ना, 40,000, 4,000 हो गए, 4,000 शेयर हो गए, तो एक शेयर इश्यू नहीं था। अच्छा, अब हमने क्या किया, 1 लाख में से 2 लाख इश्यू किए इनिशियली, तो ये कहलाएगी आपकी क्या, इश्यू अच्छा देखिए, अच्छा इसके बाद है फिर होल्ड अप कैपिटल, और सेकेंड और थर्ड इसमें पेड अप कैपिटल। अच्छा, यहाँ क्या होता है, पाकिस्तान में आप जब किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगी ऑथोराइज्ड कैपिटल, उसके बाद लिखा होगा इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, इश्यूड पेड अप कैपिटल एक ही होता है, और कंपनीज में देखेंगे तो ये डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे इसमें अभी कॉल्ड अप और पेड अप क्या होती है, जो फर्स्ट करेंगे, देखिए शेयर जो इश्यू होते हैं दो तरह से होते हैं, एक फुल पेमेंट पे और एक पार्ट पेमेंट। अच्छा, पाकिस्तान में शेयर इश्यू होते हैं फुल पेमेंट, जितने का शेयर है उतना ही अमाउंट पे करेंगे तो आपको शेयर मिलेगा, पार्ट पेमेंट पे शेयर्स नहीं होते। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इशू और पेड अप कैपिटल सेम होता है, जितने इशू किए उतनी पेमेंट आ गई, तो इशू और पेड अप सेम होते हैं। अच्छा, और कंट्रीज में क्या होता है, शेयर इंस्टॉलमेंट में भी इशू होता है, पार्ट पेमेंट। इनिशियल हमने क्या किया, 2 लाख शेयर इशू किए और कितने पे इशू कर दिया हमें, ₹5, मार्केट कर ₹5 हमने शेयर इशू किए। अच्छा, तो ₹5 आ गए, ठीक, तो आपकी इशूड कैपिटल कितनी होगी, 2 लाख इंटू 10 20 लाख हो गई इशूड कैपिटल,
उसमें से 5 पर शेयर था, तो आपके 5 10 लाख हो गए पेड अप कैप। कितने शेयर इशू हो रहे हैं, किस रेट पर इशू किए? 5 10 का शेयर है। इशू हमने किए इनिशियली 5 रुपए के, इनिशियली 5 रुपीज में शेयर खरीदे, शेयर होल्डर बने, बाकी बाद में इंस्टॉलमेंट। पेमेंट कितनी आई हमारे पास? 5 2 10 हो गया 10 लाख। आपकी क्या बन गई? पेड अप कैपिटल। इशूड कैपिटल हो जाएगी 20 लाख, पेड अप कैपिटल 10 लाख। अच्छा, ये कुछ भी नहीं, जीरो। यू गेट टू आपका 20 लाख, 0 10 लाख। अच्छा, क्या हो कुछ टाइम के बाद, 1 2 महीने बाद, 4 6 महीने बाद, कंपनी ने कॉल की, भाई जो शेयर होल्डर्स हैं, जो बाकी कितने रह गए थे 5 रुपीज ना, उसमें से 2 रुपीज पर शेयर पे कर। अब कंपनी ने कॉल किया, आपको लेटर आया कि मैम आपने 2 रुपीज पर शेयर दे। अब 2 लाख को मल्टीप्लाई कर लें, 2 से कितने हो गए? 4 लाख। 4 लाख क्या लाएगी आपकी? कॉल्ड अप कैपिटल, जो अमाउंट कंपनी ने कॉल किया, 2 रुपीज पर शेयर आपको देने मजीद। तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई? 4 लाख हो गई। अच्छा, अब कुछ टाइम के बाद शेयर होल्डर्स ने 4 लाख पे कर दिए, तो वो बन गई आपकी पेड अप कैपिटल। इस तरह से, तो पेड अप कितनी हो जाएगी? पहले कितनी थी? 5 टू द 10 लाख थी ना? हाँ, 10 और 4 ऐड हो गए, 14 लाख हो गई। 14 लाख हो गई, जो अमाउंट कंपनी ने कॉल किया, जब आपको 2 रुपीज पर शेयर देना है। ठीक है, तो 2 रुपीज पर शेयर टोटल हो गए 4 लाख। अच्छा, कुछ दिनों में पैसे आ जाएंगे, तो आने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? पेड अप। अच्छा, पेड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी आपकी? 14 लाख हो गई। तो कुछ टाइम बाद कंपनी ने कॉल की, जो रिमेनिंग 3 रुपए पर शेयर है वो भी आप पे कर दें, तो 3 2 6 6 लाख क्या हो गए आपके? कॉल्ड अप कैपिटल। उसके बाद पेमेंट आना शुरू होगी, और पेमेंट जब वो बच जाएगी आपकी पेड अप कैपिटल। दूसरा, तो पेड अप कितनी हो जाएगी? पूरे 20 लाख इंस्टॉलमेंट पे कहते नहीं कहेंगे उसको, इंस्टॉलमेंट कहते या पार्ट पेमेंट पे कहते। ये पार्ट पेमेंट पे भी शेयर इशू हो जाते हैं, बाकी अमाउंट आप बाद में दे सकते। तो उसके लिए टर्म क्रेडिट यूज नहीं होगी, पार्ट पेमेंट पे। हाँ, ये कभी भी, जब कभी, ये पहले से शेड्यूल भी दे सकते हैं कि आपने इस टाइम पे देना, वो कुछ भी हो सकता है, दोनों ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ये हो गए इशूड, कॉल्ड अप और पेड अप। अच्छा, पाकिस्तान में शेयर इशू होते हैं फुल पेमेंट पे, तो जब आप बैलेंस शीट देखेंगे किसी पाकिस्तानी कंपनी की, तो आपको वहां मिलेगी ऑथोराइज कैपिटल लिखा हुआ, और उधर लिखा होगा इशूड एंड पेड अप कैपिटल, क्योंकि दोनों हमेशा बराबर, जितने इशू होंगे उतनी पेमेंट आएगी, तो हमेशा एक साथ ही लिखा जाता है इशूड एंड पेड अप कैपिटल। और कंट्रीज की बैलेंस शीट देखें तो उसमें आपको अलग अलग मिलेगी, इशूड अलग, कॉल्ड अप अलग, पेड अप अलग। ठीक है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट होती नहीं, पार्ट पेमेंट नहीं होती, फुल पेमेंट होती है, तो इसलिए कॉल्ड अप होती नहीं है, जितने इशू है उतनी पेमेंट आ गई। तो जहां पार्ट पेमेंट पर इशू होंगे, तो वहां पर कॉल्ड अप कैपिटल भी आए। ये हो गए टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो शेयर प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम क्या होता है? जी, प्रीमियम क्या होगा? पार वैल्यू दर्ज है 12 रुपये, 2 रुपये जो है वो प्रीमियम होगा। ठीक है, अब देखिए, बढ़कर आपके शेयर की जो पार वैल्यू है वो 10 10 पर शेयर। ठीक है, और इस वक्त आपका मार्केट रेट चल रहा है, तो क्लीन कर लेते हैं, 15 रुपीज पर शेयर। अच्छा, अब कंपनी शेयर इश्यू करेगी तो कितने पे करेगी? 15 रुपए करेगी ना, तो एक्सेस अमाउंट कितना मिला? 5 रुपीज क्या क्या रहेगा? प्रीमियम, शेयर प्रीमियम, यानी कि एक्सेस अमाउंट ओवर पार वैल्यू। पार वैल्यू से जितना अमाउंट ज्यादा मिलेगा वो शेयर प्रीमियम कहलाता है। एक्सेस अमाउंट रिसीव बाय कंपनी ओवर द पार वैल्यू ऑफ इट्स शेयर।
और जो प्रीमियम होता है ये कुछ कंपनीज में पार वैल्यू से भी कहीं ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कंपनी की परफॉर्मेंस पे, प्रॉफिट पे। तो राइट, तो मार्केट वैल्यू जो है वो हजारों में भी जा सकती है। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे डिविडेंड। काम नहीं करते डिविडेंड से पहले तो कुछ कैलकुलेट क्वेश्चन है, दो तो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद थ्योरी का। तो थ्योरी इसमें ज्यादा है तो थ्योरी कैलकुलेशन साथ साथ चल चल लेकर चलेंगे। ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं शेयर से रिलेटेड, कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो एंट्रीज क्या होती हैं, किस तरह रिकॉर्डिंग होती है, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे डिविडेंड की बात। क्वेश्चन नंबर वन, कल के इश्यूड 1 लाख डॉलर वन ऑर्डिनरी शेयर्स एट पार वैल्यू। अच्छा, तो इसकी एंट्री क्या होगी? अच्छा, कैश कितना आएगा? कंपनी तो शेयर इश्यू कर रही है तो कैश रिसीव होगा, इन्वेस्टमेंट आएगी ना। अच्छा, एक इन्वेस्टमेंट की एंट्री होती क्या वैसे? जनरल जो एंट्री बनाते हैं इन्वेस्टमेंट की, कैश या बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा ना, कंपनी देखें शेयर इश्यू किस लिए करती है, शेयर क्यों इशू किए जाते हैं? ताकि इन्वेस्टमेंट आएगी ना आपके पास, इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट क्या होती है आपकी? कैपिटल। तो कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए पार वैल्यू यानी कि 1 डॉलर पे, तो कैश कितना मिलेगा? 1 लाख कैश आएगा, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट आएगी कंपनी में, तो ये बन जाएगी आपकी कैपिटल। तो वही एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। अच्छा, कंपनी के कैपिटल को हम शेयर कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड। ये एंट्री होगी पहली। सेकेंड ट्रांजेक्शन है इश्यूड 1 लाख डॉलर वन ऑर्डिनरी शेयर्स एट मार्केट प्राइस ऑफ 1.2। अच्छा, 1 डॉलर के शेयर है, 1.2 पे इश्यू कर रहे हैं, तो एक्सेस अमाउंट कितना मिल रहा है? 0.2। तो ये हो जाएगा आपका शेयर प्रीमियम। ठीक है। अच्छा, टोटल कैश कितना रिसीव होगा? 1,20,000, तो आप बैंक डेबिट हो जाएगा 1,20,000 से। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो देखिए शेयर कितने का था, 1 डॉलर का, इशू कितने पे किया, 1.2, का एक्सेस अमाउंट कितना मिला, 0.2। ये जो कैपिटल हम रिकॉर्ड करते हैं ना, जो शेयर कैपिटल है ये हमेशा पार वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है। तो पार वैल्यू कितनी है? 1 डॉलर, तो शेयर कैपिटल तो आपकी हो जाएगी 1 लाख। ठीक है, जो एक्सेस अमाउंट मिलेगा ये अलग रिकॉर्ड होता है शेयर प्रीमियम के, इसका अलग अकाउंट बनेगा शेयर प्रीमियम, और ये क्रेडिट, ये भी क्रेडिट होगा। ठीक है, तो कैपिटल हमेशा याद रखिएगा पार वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी और प्रीमियम अलग रिकॉर्ड, इसके रिकॉर्डिंग कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर टू, कंपनी हैज 1,050,000 ऑर्डिनरी शेयर्स, 45 सेंट पेड। तो 50 सेंट का शेयर है, 45 सेंट पेड है, और फिर 2 लाख डॉलर वन प्रेफरेंस शेयर्स फुली पेड, ये फुल पेड है इन इशू, इट्स शेयर कैपिटल फिगर बन। टोटल कैपिटल कितना होगा ये पर? अब ऑर्डिनरी शेयर्स कितने इशू हुए? 1 मिलियन के 50 सेंट पार वैल्यू, लेकिन पे कितने हुए भी? 45 सेंट। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल रिकॉर्ड होगी 45 सेंट पे, बाकी प्रेफरेंस शेयर 2 लाख है, डॉलर वन फुली पेड, ये पूरे 2 लाख से रिकॉर्ड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखते हैं पहले, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपकी हो जाएगी 4,50,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, दोनों को ऐड करेंगे टोटल कैपिटल हो जाएगा 6,50,000। डिविडेंड से डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट ऑन शेयर्स ना, कि जब आप शेयर्स खरीदते हैं किसी कंपनी के, कंपनी की तरफ से आपको प्रॉफिट मिलता है, उससे डिविडेंड कहते हैं। ये उसमें F1 में पढ़नी चीजें सारी, एफ में बी टी एफ कह रहा है, F1 नहीं। ठीक है, तो डिविडेंड क्या इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग, जिसके पास जितने शेयर होते हैं उससे उतना ही डिविडेंड है। इसकी दो टाइप्स होती हैं डिविडेंड की, दो टाइप्स के डिविडेंड होंगे, एक होता है इनडायरेक्ट डिविडेंड और दूसरा
डिविडेंड। ठीक है। अच्छा देखिए, कुछ कंपनीज होती हैं जो एनुअल बेसिस पे डिविडेंड देती हैं, साल में एक बार, ईयर एंड होगा, ईयर एंड पे डिविडेंड देंगे, वो तो कहलाएगा फाइनल डिविडेंड होता है जो ईयर एंड पे दिया जाता है। कुछ कंपनीज होती हैं जो हाफ ईयरली बेसिस पे डिविडेंड देती हैं, कुछ कंपनीज होती हैं जो क्वार्टरली बेसिस पर डिविडेंड देती हैं। तो बस सर, अभी कंपनी हमने स्टार्ट की जनवरी 1st में कंपनी है, और अब ये कंपनी जो है क्वार्टरली बेसिस पे डिविडेंड दे रही है। तो पहला डिविडेंड कब देगी? मार्च में ना, मार्च एंड हो जाएगा, 31 मार्च या अप्रैल में जाके ये एक डिविडेंड हो गया। सेकेंड डिविडेंड जून के एंड पे होगा, थर्ड डिविडेंड सितंबर के एंड पे, और लास्ट पे दिसंबर के एंड पे। तो देखिए, ये जो मार्च जून और सितंबर के एंड पे जो डिविडेंड पे होंगे ड्यूरिंग द ईयर, ये कहलाएंगे इंटरिम डिविडेंड, और जो ईयर एंड पे दिया जाएगा वो कहलाएगा फाइनल डिविडेंड। बस ये डिफरेंस। ठीक है, कंपनी डिटेलिंग क्या है, कंपनी विच डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिफोर द कंपनीज एनुअल अर्निंग्स हैव बीन कैलकुलेटेड। अभी दोनों मिलेंगे ना। हाँ, ड्यूरिंग द ईयर जो मिलेगा वो इंटरिम कहलाएगा, जो ईयर एंड पे मिलेगा वो फाइनल कहलाएगा। बस ये फर्क है। जो बड़ी कंपनीज हैं वो क्वार्टरली बेसिस पे डिविडेंड देती हैं, जो छोटी कंपनीज है वो एनुअल बेसिस पे डिविडेंड। देखिए, बड़ी कंपनीज में क्या होता है कि वो ईयर स्टार्ट पे एक एस्टिमेट निकाल लेते हैं कि हमारे इस साल का प्रॉफिट कितना। ठीक है, टारगेट। अच्छा, उसकी बेस पे डिविडेंड कैलकुलेट कर लिया जाता है उसको, फिर हम क्वार्टरली बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं और फिर क्वार्टरली डिविडेंड दे देते हैं। तीन डिविडेंड्स भी हो जाते हैं 3 क्वार्टर में। फिर ईयर एंड पे क्या होता है, कंपनी का इनकम स्टेटमेंट बनता है, एक्चुअल प्रॉफिट आ जाता है, उसके बाद हम डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं कितना देना है, उसमें से फिर ये इंटरिम वाले माइनस हो जाते हैं, जो बच जाता है वो ईयर एंड पे दे दिया जाता है फाइनल डिविडेंड क्या के। हाँ, क्या है डिविडेंड? कैश ही होता है नॉर्मली, तो शेयर भी दे सकते हैं नॉर्मली, कैश दोनों होते हैं, पढ़ेंगे आगे। हाँ, तीसरा होता है तो इंटरिम होता है जो ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, ये क्या होगा, इंटरिम एक चीज और है, ड्यूरिंग द ईयर अनाउंस होगा और पे भी होता है। सब मार्च के एंड पे अनाउंस हुआ तो अप्रैल में पे होगा, जून के एंड पे अनाउंस हुआ तो मई में पे, जुलाई में पे हो जाएगा, सितंबर के एंड पे अनाउंस होगा तो अक्टूबर में पे हो जाएगा, जिस साल अनाउंस होता है उसी साल पे हो जाता है। अच्छा, फाइनल क्या होता है, फाइनल अनाउंस कब होता है, एंड में नेक्स्ट ईयर में पे हो जाएगा। अच्छा, प्रैक्टिकली एक चीज और बताऊं, पर ये थ्योरी का तक है, प्रैक्टिकली ये अनाउंस भी नेक्स्ट ईयर में हो और पे भी नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि देखिए ईयर एंड होगा, ईयर एंड पे तो इनकम स्टेटमेंट बनना शुरू होगी ना, ईयर एंड पे तो अकाउंट्स क्लोज होते हैं, क्लोजिंग होगी, एडजस्टमेंट्स होंगी, इनकम स्टेटमेंट बनेगा, बैलेंस शीट बनेगी, प्रॉफिट आएगा, फिर डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, मीटिंग में डिसाइड होता है कि इस साल कितना डिविडेंड देना है, उसके बाद दिया जाता है। तो फाइनल जो होता है वो डिक्लेयर भी कब होता है, ईयर एंड के बाद नेक्स्ट ईयर में, और पे भी नेक्स्ट ईयर में। ड्यूरिंग द ईयर अनाउंस होगा, ड्यूरिंग दैट पे हो जाएगा, और ईयर एंड पे अनाउंस होगा, नेक्स्ट ईयर में पे होगा। सही, ये डिफरेंस। मतलब ईयर स्टार्ट पे डिसाइड हो जाता है कंपनी का अपना एक। हाँ, नहीं, फाइनल डिसाइड हो जाता है ना, देना कितना है, टोटल आपने डिसाइड कर लिया देना कितना, उसको आपने 4 से डिवाइड कर दिया। जनवरी 1st पे हमने डिसाइड कर लिया अपना एक टारगेटेड प्रॉफिट बनाते हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट हमारा एक टारगेट होता है ना कंपनी का, ये अचीव करना, उसकी बेस पे आपने डिविडेंड निकाला, कितना निकाला आपने, कि 100 पर शेयर देना है पूरे साल का, आपने क्या किया 4 से डिवाइड कर दिया, क्या आया 25 कब देंगे, मार्च के एंड पे 25 कब देंगे, हाँ जून के एंड पे 25 कब देंगे, 75 तो चला गया। ईयर एंड हुआ, इनकम स्टेटमेंट बना, एक्चुअल प्रॉफिट निकला, उस पर हमने डिविडेंड कैलकुलेट किया, तब तो हमने डिसाइड किया कि भाई 100 नहीं बल्कि हमें 110 देना है टोटल। ठीक, 110 में से 75 माइनस हो गए, कितना बचा, 35 ईयर एंड पे दे देंगे। ठीक, अच्छा ईयर एंड पे डिसाइड हुआ 100 ही देना है तो 25 ईयर एंड पे दे देंगे, ईयर एंड पे डिसाइड हुआ 90 देना है तो 15 ईयर एंड पे दे देंगे। इस तरह स्टार्ट पे डिसाइड कर लिया जाता है, उसको डिवाइड करते हैं, क्वार्टरली देते रहते हैं,
अब रियल एंड पे फाइनल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद, ये बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी तो उसमें क्या होगा, पूरे साल कुछ भी नहीं मिलेगा। ईयर एंड हुआ, इनकम स्टेटमेंट बना, डिविडेंड कैलकुलेट हुआ, कितना देना है भाई, 20 देना है, 20 दे देंगे। ये साल का, अगले साल का उस वक्त डिसाइड हो जाएगा फिर कि अगले साल कितना मिलना है, डिसाइड हो जाएगा फिर, कोई जनवरी इसका मिलता रहे क्वार्टरली। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके क्या क्या क्वेश्चन नंबर 3? अच्छा, इसमें एक चीज का आंसर देखिए, बताता हूँ। कंपनी हैज इश्यूड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ 18,000 शेयर ऑफ 25 सेंट ईच। अच्छा, डिक्लेयर द डिविडेंड ऑफ 50 सेंट पर शेयर, व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेबल टू शेयर होल्डर, कितना डिविडेंड देना होगा। टोटल डिविडेंड कितना बनेगा? 9,000, 9,000 जी, बाकी बताएं। माइनस किसको किसको? माइनस किसको 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 थ्री माइनस कर, फिर क्या होगा? जीरो फिर 9,000 तो नहीं आएगा, तो 4,500। कौन सी कैलकुलेशन है ये? मैं निकाला नौ शेयर्स, कितने डिविडेंड कितना देना है? 50 सेंट पर शेयर। टोटल शेयर 18,000 है, 18,000 को मल्टीप्लाई करें 0.5 से, 9,000 आ जाएगा। अच्छा, सी का मतलब क्या होता है? एंड मतलब डॉलर का, डॉलर का, हाँ जो डॉलर का छोटा भाई, रुपी का छोटा भाई, पैसा होता है 5 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे, तो डॉलर का छोटा भाई सेंट है, तो 50 सेंट का मतलब हो गया 0.5 डॉलर, और 25 सेंट का मतलब 0.25 डॉलर, 0.25 डॉलर, राइट। अच्छा, इसमें देखिए एक चीज का ख्याल रखिएगा, 18,000 शेयर्स है, यह है क्वांटिटी, क्वांटिटी दी है ना, और ये वैल्यू है, ये वैल्यू, उसमें इस चीज का ख्याल रखिएगा, कहाँ पे क्वांटिटी दे रहा है, कहाँ पे वैल्यू बता रहा है, इसमें काफी कंफ्यूजन है। जैसे कि 25 है, और डिविडेंड कितना दे रही है कंपनी? 50, पावर वैल्यू से डबल, डिविडेंड आ रही है अच्छी कंपनी, ये मना थोड़ी है ज्यादा देना, नहीं इशू थोड़ी किया, ये डिविडेंड है, प्रीमियम तो होता है जब इशू करते, 25 का शेयर 50 में इशू करते तो प्रीमियम, शेयर इशू थोड़ी हो रहा, अभी तो हम प्रॉफिट बांट रहे, मैं शेयर दिया था 25 पैसे का, कंपनी हमारी बहुत अच्छी चली, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था, हर शेयर होल्डर को 50 पैसे का हम डिविडेंड दे, ये अलग वो नहीं है। तो ये था कि 1 डॉलर का शेयर था, 1/32 में इशू किया, इशू करते हैं तो वो प्रीमियम, अभी शेयर इशू नहीं कर रहा, अभी तो प्रॉफिट बांट रहे हैं, 50 सेंट हर एक को दे रहे हैं, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक। तो देखिए ना, खाला कि कहाँ क्वांटिटी है, कहाँ पर वैल्यू, अभी आप लोग कंफ्यूजन रहते। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, 1 का मैं सॉल्यूशन तो दिखाता हूँ, सॉल्यूशन ये हो जाएगा ना, इसका 2 का 3 का 9,000 आ जाएगा डिविडेंड, लिख लिया ठीक है, मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया जी। अब क्वेश्चन नंबर 4। कंपनी हैज ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ 50,000, 25 सेंट ऑर्डिनरी शेयर, अच्छा इट शोड शेयर कैपिटल इज 20,000 शेयर, ऑथोराइज 15, इन्होंने इशू कितने किए? 20,000 इशू किए हैं, ठीक है। अच्छा, तो डिविडेंड जो देंगे वो 50,000 पे देना होगा, 20,000 पे देना, 50,000 पे देंगे, 20,000, 20,000 पे देंगे ना, क्योंकि जितने इशू होंगे उतने पे डिविडेंड देंगे ना, जो इशू नहीं किया हमने अभी हमारे पास ही है तो डिविडेंड,
डिविडेंड हमेशा इश्यूड कैपिटल पे दिया जाता है, जितने शेयर इश्यू करेंगे उतने लोगों को डिविडेंड देंगे सही। बाकी तो हमने अपने पास 30,000 रखे हैं अभी। अच्छा, अब क्या एन ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 10% इज डिक्लेयर्ड, व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेएबल टू शेयर होल्डर। अच्छा, अब यहाँ परसेंटेज दे दी, यहाँ ऊपर उसने रेट दिया था 50 सेंट पर शेयर का, अब यहाँ परसेंटेज है 10% पर शेयर। अब क्या कैलकुलेशन क्या हो, 10% किसका, 20,000 का, तो 2,000 आएगा, 50,000 का। 5,000 पे, 5,000 कैसा है? पांच फिर ठीक है, हजार सही है। हाँ, अब देखिए इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन के दो तरीके हैं। एक तो आप ये कर सकते हैं कि जो परसेंटेज है ना उससे आप पहले रेट निकाल लें, जैसे यहाँ से रेट दिया था ना 50 सेंट पर शेयर, यहाँ परसेंटेज है। एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि परसेंटेज से रेट निकालें और फिर मल्टीप्लाई करके डिविडेंड निकाल, यानी कि क्या करें, शेयर कितने का, पार वैल्यू कितनी है शेयर की, 25 सेंट है, इसका 10% कैलकुलेट करें, 0.025 ये हो गया पर शेयर। पर शेयर रेट आ गया, एक शेयर पे कितना डिविडेंड देना है। शेयर्स कितने इशू किए थे हमने, 20,000, तो मल्टीप्लाई कर दें इसको 0.025 से, तो ये $500 आपका डिविडेंड आ गया। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका क्या है, अब शेयर्स कितने हैं हमारे, 20,000 शेयर हैं, इसको मल्टीप्लाई करें पार वैल्यू से। पहले आप इसका शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर लें, इसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर लें, कितना बना आपका शेयर कैपिटल, 5,000 इश्यूड शेयर कैपिटल आ गया ठीक है। अब 5,000 का हाँ 10% निकाल लें तो $500 आ गया ठीक है। दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, कि आप चाहें तो पहले परसेंटेज को रेट में कन्वर्ट करें और फिर नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दें, या पहले शेयर कैपिटल कैलकुलेट कर लें, शेयर कैपिटल उसका 10%, बात एक ही सही राइट। तो ये इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह, दो तरीके तो मैंने यहाँ लिख दिया। पहले इसमें मैंने क्या किया, कैपिटल शेयर्स को कन्वर्ट किया शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का 10% निकाल लिया डिविडेंड। सेकंड में मैंने क्या किया, पहले इससे रेट निकाला तो उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, 500 आंसर हुआ ना, 5,000 5,500, कुछ 5,500 ही होगा। डिविडेंड ही तो दे रहे हैं, डिविडेंड ही बताना है, डिविडेंड कितना देना है, 5,000 तो शेयर कैपिटल है हमारा, 5,000 के तो हमने शेयर इश्यू किए थे, अब हम दे रहे हैं डिविडेंड, डिविडेंड कितना देंगे उनको, 500। ये तो जब हमने शेयर इश्यू किए होंगे साल पहले, उस वक्त इश्यू किए थे कितने के, 20,000 के, ये तो हमारा कैपिटल है, 20,000 इशू किए थे, 5,000 कैसा आ गया था आपके पास, 5,000 तो आपका कैपिटल है। अब ईयर एंड पे हम इनको डिविडेंड दे रहे हैं, डिविडेंड कितना देंगे, $500, यानी कि 5,000 के इन्वेस्टमेंट पे 500 का डिविडेंड मिला, 10% प्रॉफिट। ये कैपिटल कैपिटल देखो डाली, तो प्रॉफिट से माइनस, डिविडेंड कहाँ से देते हैं, प्रॉफिट से देते हैं, बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है उसमें से दिया जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है, डिविडेंड देने से आपका प्रॉफिट कम होता है, कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ऑथराइज। अच्छा, अब इसमें रेट भी है परसेंटेज दोनों चीज आ गई ठीक है। ऑथोराइज हाँ, 3 लाख ऑथोराइज शेयर कैपिटल, 6 लाख ऑर्डिनरी शेयर विद पार वैल्यू $1.5। अच्छा, इशू कितने हो रहे हैं, 4 लाख शेयर्स एट पार वैल्यू पे इशू किए। द ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज अनाउंस इंटरिम डिविडेंड ऑफ 15% एंड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इट हैज अनाउंस
फाइनल डिविडेंड ऑफ 0.6 डॉलर पर शेयर। व्हाट इज द टोटल डिविडेंड फॉर द ईयर बता, टोटल निकालना। अच्छा 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 ये आंसर है 330,000 आंसर है। कैसे आएगा अब ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 और ये इसका पॉज करते हैं। कंटिन्यू मार ठंडा पी के ठंडी। हाँ बस रिक्शा टैक्सी सब मिलेगा आपको 1 बजे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ 1,50,000 शेयर। अच्छा डायरेक्ट इश्यूड कैपिटल बता दिया उसने ऑफ 25% ईच एट 31 दिसंबर 10। द कंपनी डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 9 सेंट पर शेयर। ये कब अनाउंस हुआ है? दिसंबर 10 पे। तो अभी नेक्स्ट ईयर की बात है। ऑन सितंबर 11 2008 पेड एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 5 सेंट पर शेयर। अच्छा ये इंटरिम हो गया नेक्स्ट ईयर का ना। एंड On 31 December 2011, it declared a final dividend of 13 cents per share. अच्छा तीन डिविडेंड दिए इसमें, एक लास्ट ईयर का फाइनल, करंट ईयर का इंटरिम, करंट ईयर का फाइनल। क्वेश्चन क्या है? What is the total amount of cash paid to shareholders as a dividend in the year ended? अब ईयर एंड पूरा दिसंबर में, करंट ईयर में पे कितना किया ये बता। पिछले क्वेश्चन में क्या था? डिविडेंड पेबल फॉर द ईयर, डिविडेंड फॉर द ईयर बताना था। इसको बताना है पेड इन द ईयर, पे कितना किया, पे कितना किया ये बता। अब कौन कौन से आएंगे इसके अंदर? पहले पहला और लास्ट नहीं आएगा, पहले तो आएंगे। तो कौन सा आएंगे ये बताना, फर्स्ट रेट बता देना मुझे। नाइन वाला, फाइव वाला और 13 वाला। 9 और 5। ठीक है 9 और 5। 13 क्यों नहीं आएगा? तो अगले साल पे होगा, वो अगले साल पे होगा। क्योंकि देखिए 13 डेक्लेयर कब हो रहा है, ईयर एंड पे, तो पे कब होगा? नेक्स्ट ईयर जनवरी में। अच्छा ये दिसंबर के एंड में डिक्लेयर हुआ तो जनवरी में पे हो जाएगा, सितंबर के एंड में डिक्लेयर हुआ अक्टूबर में पे हो जाएगा, और ये लास्ट दिसंबर के एंड पे अनाउंस हुआ तो नेक्स्ट ईयर जनवरी में पे, ये नेक्स्ट ईयर में चला जाए। करंट ईयर में दो पे होंगे इसमें पे, 9 सेंट और 5 सेंट। ठीक है तो अच्छा क्या कैलकुलेशन क्या होगी? हाँ शेयर कितने हैं? 1,50,000। 1,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 सेंट 0.09, और 1,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 और ऐड कर लेंगे आंसर आ, ये आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.09 ये आ गया 13,500 डॉलर, और ये इंटरम 1,50,000 इंटू 0.05 तो आ गया 7,500 डॉलर। दोनों का ऐड कर लेते हैं, 21,000 21,000 आ जाएगा डिविडेंड पे। डिविडेंड नहीं है, बैठ गया। एक तीर से एक निशाना, एक तीर से एक निशाना, दो नहीं होते। दो तीर से एक निशाना।